मैं हूँ प्रभजोत कौर. हैप्पी वुमेन्स डे. हम आज ऐसे टाइम में हैं वे वी हैव प्रूव्ड वी हैव मैनेज्ड दैट वी आर नो लेस देन मेन इन एनी फॉर्म. ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं, पल्लवी फौजदार. शी इज़ नोन फॉर हाई ऑल्टीट्यूड बाइकिंग एंड शी इज़ मेड रिकॉर्ड्स इन दैट. लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, नारी शक्ति अवॉर्डी हैं और पता नहीं अभी क्या क्या करने वाली हैं. आई रियली वॉन्ट टू नो कि इस सब चीज़ों के लिए आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली. वॉट वॉज दैट टाइम विच एक्चुअली मेड यू बिकम लाइक दिस एंड बी अ वुमेन, बी अ इंस्पिरेशन टू ऑल द वुमेन आउट देयर. थैंक्स प्रभजोत. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू टू. एंड इसकी स्टार्टिंग तो मैं कहूँगी जब मैं छोटी सी थी, जब होश संभालते हैं, जब थोड़ी बहुत मेमोरीज याद रहती हैं, वहीं से हुई थी. फादर के साथ में जब मैं निकलती थी उनके साथ उनकी बाइक पे बैठना, तो वो जो बाइकिंग को लेकर जो लगाव शुरू हुआ वो धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ में एक जुनून में तब्दील होता गया. और बाइकिंग ही क्यों, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी हर वो काम मुझे पसंद था करना, नॉट ओनली बाइकिंग, जो कहा जाता था कि ये लड़कियों को सूट नहीं करता और मे बी लाइक दिस नॉट यू आर नॉट मेंट फॉर दीज थिंग्स. हाँ, और लड़कियों को सूट नहीं करता, बेटा लड़की हो, लड़कियों जैसे कुछ काम किया करो, लड़कों को नहीं हरा सकती वगैरह वगैरह. तो बचपन में चाहे जो भी गेम्स होते हैं, चाहे वो रेस ही क्यों ना हो, मैं हमेशा हर चीज़ में लड़कों को कम्पीट करती थी. हम सशक्तिकरण की बात करते हैं पर कितने अपने से रिलेटेड फैसले हम खुद ले पाते हैं, ये चीज़ वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक अपने से जुड़े, एटलीस्ट अपने से जुड़े फैसले हम लोग खुद लेना शुरू ना करते. इंस्पिरेशन कोई थी या किसी को देखा था ऐसा करने के लिए या क्या था, मतलब कि वो मन के अंदर ही आ गया कि नहीं अब मुझे ये बाइक लेके जानी है? प्रभजोत, इंस्पिरेशन आपके अंदर खुद होती है. okay. आप खुद अपने आप की इंस्पिरेशन होती है, बिकॉज सोचते आप खुद हैं, झेलते आप खुद हैं, तकलीफों को आप गुजरते हैं, ताने आप सुनते हैं. तो इंस्पिरेशन भी मैं कहूँगी अगर आप खुद होंगे तो बेटर होंगे. लेकिन मैं कहूँगी मुझे एक बेहतर इंसान बनाने में मेरे पेरेंट्स का रोल रहा है, मेरी माँ जो पहली गुरु होती है बच्चे की और मेरे पिता. वन लास्ट मैसेज फॉर ऑल द लेडीज आउट देयर. बिल्कुल प्रभजोत, मैं कहूँगी सबसे पहले तो मैसेज मैं अपनी महिला बहनों को, माताओं को देना चाहूँगी, और ख़ास तौर से उन महिलाओं को जो ये सोचती हैं कि काश हम पुरुष होते हैं तो हमको ये सब नहीं झेलना पड़ता, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं स्त्री होकर जब वो काम कर सकती हूँ, दुनिया के उन ऊंचे पहाड़ों पे, उन ऊंचे पासेस पे अकेले पहुँच सकती हूँ, तो आपको क्या रोकता है? आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपकी क्षमताओं को कोई नहीं जानता. कोई और आपको रोके उससे पहले आप अपने आप को रोकते हैं, तो बस आप उसको विराम लगाइए, आगे बढ़िए.